हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय हॉबी इज गार्डनिंग में। और दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? सब बढ़िया होंगे और अपने कामों में बिजी होंगे दोस्तों। और गार्डनिंग का काम भी रोज़ ही होता है, रोज़ ही चलता रहता है। कभी भी जैसे घर के काम कभी बंद नहीं हो सकते, वैसे गार्डनिंग का काम भी है जो कभी भी बंद नहीं होता है दोस्तों। और आज मैं जो अपने प्लांट्स में करने जा रही हूँ, मैं उसको आपके साथ में मैं शेयर करने जा रही हूँ दोस्तों। क्योंकि हमने दूध से पनीर तैयार किया था, तो उसका जो पानी बच गया वो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही उपयोगी है दोस्तों। जिस तरह से हमारे शरीर को हर तरह की चीज़ों की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारे प्लांट्स को भी होती है। और देखिए, धूप नहीं है इसलिए मैं अपने प्लांट्स पे ये मैं छिड़काव करने जा रही हूँ और आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करना चाह रही हूँ, ताकि आप लोग भी इस तरह से कुछ हो तो आप अपने यहाँ अपने प्लांट्स पे यूज़ कर सकें जो अच्छा होता है। ये देखिए दोस्तों, अरेनियम का फूल खिल रहा है और पीछे वाला फूल खिल के सूख भी गया है दोस्तों। मैं दिखाने की तो रोज सोच रही, लेकिन वही है, ध्यान नहीं जाता है। एक कोने में ये रखे हुए हैं, पीछे वो ये वाला सामने दिख जा रहा है। देखिए कितना खूबसूरत शेड आ रहा है और बहुत ही मतलब बड़े साइज़ का फ्लावर खिलता है। और मैं सोची इनको मैं बड़े पॉट दे दूँ थोड़े से। चलिए दोस्तों, फिर मैं आप लोगों के साथ में मैं शेयर करती हूँ कि मैं कैसे क्या करने जा रही हूँ। और आप लोगों को तो पता ही, दूध एक संपूर्ण आहार में आता है और इसमें कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है। कैल्शियम, आयरन, विटामिन्स भी होते हैं, मैग्नीशियम भी होता है, सभी कुछ होता है दूध में। जो इसीलिए दूध को एक संपूर्ण आहार के रूप में माना जाता है। तो ये देखिए, ये पानी, ये एक गिलास है, मैं इसमें एक गिलास ही पानी भी डाल दूंगी, जस्ट डबल कर दूंगी। और मैं इसको अपनी बोतल में डाल के अपने साथ आप किसी भी प्लांट्स की लीफ पे इसे स्प्रे कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके प्लांट्स की लीफ ना बड़ी शाइनी चमकदार होंगी और उनको और हमारी स्टेम को हर प्रकार के विटामिन्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जो भी कुछ नीड होती है, जो वो मिट्टी से लेता है वो डायरेक्ट ले लेगा, क्योंकि उसे सब कुछ अपनी स्टेम पे ही, अपनी लीव पे ही मिल जाएगा। तो बहुत ही हेल्दी हो जाएंगी और शाइनी भी होंगी, इसलिए मैं इनका स्प्रे करने जा रही हूँ। इसी तरह से हम दाल चावल के पानी को भी स्प्रे अपने प्लांट्स पे कर सकते हैं। और दूध भी, अगर हम एक चम्मच दूध एक लीटर पानी में डाल के अपने प्लांट्स पे स्प्रे करते हैं, तो भी हमारे प्लांट्स की ग्रोथ भी अच्छी होती है और वो शाइनी भी होते हैं, उनमें चमक खूब अच्छी आती है, लीव्स हेल्दी सी हमें दिखती हैं। और इसका स्प्रे इंडोर हो या आउटडोर हो, आप किसी भी प्लांट पे कर सकते हैं। मनी प्लांट पे तो बहुत ही अच्छा असर आता है इसका, मनी प्लांट की लीव्स बहुत ही सुंदर हो जाती हैं, एकदम चिकनी चमकदार, तो मनी प्लांट देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। इस तरह से हम अपने किसी भी प्लांट पे स्प्रे कर सकते हैं। इसमें कोई ऐतराज़ नहीं है कि हम इस प्लांट पे ना करें या उस प्लांट पे ना करें, इसलिए हम क्योंकि बहुत ज़्यादा है, 2 लीटर पानी तैयार हो गया है, 1 लीटर का मैंने 2 लीटर पानी तैयार कर लिया है, 2 लीटर की ये मेरी बोतल है। तो हम अपने सभी प्लांट्स पे इस तरह से ही स्प्रे कर देंगे। ये देखिए, मेरे रोज़ प्लांट हैं, मैंने इन पे स्प्रे किया है, अभी मैं और भी अपने सारे प्लांट्स पे कर दूंगी। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो,
वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन भी दोस्तों प्रेस कर लीजिएगा मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।